आज हम करने वाले इसका माइलेज टेस्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमने फ्यूल ले लिया है, आपको हम बता देते हैं। तो दोस्तों आप कहोगे कि हमने पहले इसका हिमालय का हमने पहले एक बार माइलेज टेस्ट कर दिया है, तो आप कहोगे फिर से एक बार क्यों? तो वो थोड़ा उसमें हमने उसमें कार्बोरेटर था, इसमें जो है इसमें फ्यूल इंजेक्शन है। तो अब फ्यूल इंजेक्शन का देखते हैं कि उसमें कितना माइलेज आता है। वैसे जो बिस्तर वाला वीडियो था जिसमें कार्बोरेटर था उसमें दिया था उसका 27 का। अब देखते हैं फ्यूल इंजेक्शन कितना माइलेज दे पाती है। तो इसका जो सैमन फ्यूल है वो इसमें इंसर्ट करता है। इससे पहले आपको बता देता हूँ ये ऑन नहीं हो पा रही है, ठीक है। हम देखा बाइक ऑन नहीं हो पा रही है। अब फ्यूल इसके अंदर डाल देते हैं और फिर देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है हिमालय। तो दोस्तों हमने इसमें 100 एम ट्रिप ए को हम 0 पर सेट करते हैं। ट्रिप ए 0 पर सेट हो चुका है और अब करते हैं हमने अपना माइलेज टेस्ट स्टार्ट और देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है। चलिए 2.6 किलोमीटर 100 ml में। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 लीटर में चलेगी 26 किलोमीटर। अगर ये 400 cc की बाइक है, 400 cc के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा माइलेज दिया है। हमने जो ये माइलेज निकाली थी ये थोड़ा सिटी वाइज था। वैसे हमने इसको कहीं स्टॉप वगैरह नहीं किया था, लेकिन सिटी वाइज के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। हाईवे पर थोड़ा ये 27 से 28 का आपको दे देगी। उस हिसाब से देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड, और अगर मैं इसके कम्फर्ट की बात करूँ दोस्तों तो एकदम ज़बरदस्त था। पीछे वाली सीट अब तक सभी जो मैंने बाइक चलाई उसमें सबसे कंफर्टेबल जो सीट लगी पीछे वाली वो रॉयल एनफील्ड की लगी, हिमालय की। तो जो ये हिमालय है ये एडवेंचर टूरर के लिए है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बाइक इसे मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? एक तो इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, दूसरा अगर देख सकते तो इसकी सेफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। आगे किसी भी तरह का प्लास्टिक का यूज नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी आपको हार्ड मेटल मिलता है और पीछे भी आपको, और इसमें आप देखोगे तो आपको प्लास्टिक कहीं देखने को भी नज़र नहीं आएगा। हर जगह आपको मेटल यूज़ कर रखा है। इस हिसाब से कहीं भी आपकी बाइक गिरती वगैरह है तो भी आपको कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। इसमें आपको दो चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से थोड़ा सा अगर गिर वगैरह जाए तो वापस इसको उठाना करना, या कच्ची सड़क है तो यहाँ पर कहीं धस जाए तो बाहर निकालना इस हिसाब से। दूसरा है कि अगर आपकी हाइट है, अगर आपकी 6 फुट हाइट है तो आपके लिए अच्छी, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी हाइट 6 फुट है तो अच्छी है। उससे कम होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि काफ़ी हैवी बाइक है, इसको
अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आपके जो पैर है पूरे रहने चाहिए जमीन पर, तब इसका आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो का यही खत्म करते हैं, आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप कमेंट कीजिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राम की सु आज तक आया नहीं।